हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। बट उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे कॉमर्स की पाठशाला चैनल के ज्वाइन बटन को नहीं दबाया है तो आप दबा करके हमारे मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, और आपको असाइनमेंट्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। याद रखिए, असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप ज्वाइन का बटन दबा लेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको एक व्हाट्सएप चैट का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ करके अपनी सारी बातें बता सकते हैं। आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या क्या हेल्प आपको चाहिए, वो सारी की सारी सपोर्ट जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है ना? तो आप चाहो तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। नाउ तो बैक टू द टॉपिक, टॉपिक पे चले आते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। यू लर्न दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, जो कि लिमिटेड बाय लॉ होती है, जिसको लॉ के तहत जो है तैयार किया जाता है। लिमिटेड बाय लाइबिलिटी होती है, जिसकी अपनी अपनी लाइबिलिटी होती है, और उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलने वाला एक एक संस्था है, एक कंपनी है, एक पर्सन है, आप बोल सकते हो। नाउ लेट अस नाउ स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप, अनदर पॉपुलर एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्मड टू रन बिजनेस इन इंडिया, नेमली पार्टनरशिप। है ना? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोनों के बीच के डिफरेंस को, कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मोड ऑफ क्रिएशन, कि किस तरीके से कंपनी को या फिर किस तरीके से पार्टनरशिप को क्रिएट किया जा रहा है। तो एक कंपनी कंपनी तभी कहलाती है जब उसको कंपनीज एक्ट के तहत बनाया जाए, और दूसरी तरफ पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप तब कहलाएगी जब उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत तैयार किया जाएगा, बट वो भी कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप ऑन द अदर हैंड इज क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट करना जरूरी नहीं है। एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप देयरफॉर इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। तो इस केस में अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, तो उसको हम इलीगल नहीं बोलेंगे, वो भी हमारा लीगल ही कहलाएगा। ठीक है ना? Now, अगर मेंबरशिप की बात करें तो जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं किसी कंपनी में और पार्टनरशिप में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप इज 2 एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप में दो लोग होते हैं, मिनिमम दो लोग चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। कंपनी के केस में कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट के केस में 2 और पब्लिक के केस में कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं जो कि उस कंपनी को स्टार्ट कर सके। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की कंपनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम के केस में जब भी पार्टनरशिप की बात की जाएगी तो मैक्सिमम जो है पार्टनरशिप में लोग हो सकते हैं 50, वेयर एज अगर आप कंपनी की बात करोगे तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 200 लोग हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉई एंड एक्स एम्प्लॉई मेंबर्स एंड जॉइंट स्टॉक होल्डर्स काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। और पब्लिक केस में, पब्लिक कंपनी के केस में यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। मैं मेंबरशिप का क्राइटेरिया मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मेंबरशिप पार्टनरशिप की अगर बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। कंपनी के क्षेत्र में मिनिमम 2 होते हैं पब्लिक कंपनी के क्षेत्र में, सॉरी प्राइवेट कंपनी के क्षेत्र में, और 7 होते हैं पब्लिक कंपनी के क्षेत्र में। अगर मैक्सिमम की बात करें तो जो मैक्सिमम है पब्लिक कंपनी के लिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी के लिए 200 का लिमिट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट है लीगल स्टेटस। तो एक कंपनी का अपना लीगल स्टेटस होता है, उसी तरीके से पार्टनरशिप का भी अपना एक डिफरेंट किस्म का लीगल स्टेटस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, वेयर एज अ पार्टनरशिप इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। है ना? एक कंपनी जो होती है वो लीगली अगर देखा जाए तो वो ओनर्स के साथ या फिर एम्प्लॉय जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनसे वो अलग होती है। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में जो भी लोग, जिन लोगों ने साथ में मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करा था, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। वो पार्टनरशिप फर्म जो है उन्हीं के नाम पे चल रहा है, और वही लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके किसी भी काम के लिए।
है ना। अ पार्टनरशिप कॉमनली कॉल्ड अ फर्म, एक पार्टनरशिप को फर्म बोला जाता है, हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसका कोई अपना कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसको अगर आप मेंबर्स से अलग कर दोगे पार्टनरशिप फर्म को, तो उस फर्म का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। फर्म में सपोज मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलकर के कोई फर्म स्टार्ट करा, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करा, अब हम दोनों ही सपोज उस फर्म को छोड़ करके निकल गए, तो उस फर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन कंपनी के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, अगर हम दो लोग मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कंपनी की वैल्यू हमारे जाने के बाद भी होगी। समझ रहे हो आप? फर्म इज ओनली अ कन्वीनियंट वे ऑफ एड्रेसिंग द पार्टनर्स कलेक्टिवली। तो फर्म एक जस्ट एक अच्छा तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है, जिसके जरिए आप पार्टनर्स को कलेक्टिवली एड्रेस कर सकते हो, बुला सकते हो। अ कंपनी बीइंग अ जुरिस्टिक पर्सन इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो एक कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स से काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट, अलग होती है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस लीगल स्टेटस में। नाउ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो लायबिलिटी होती है कंपनी के क्षेत्र में वो बहुत ही कम होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में अनलिमिटेड होती है। आपकी लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी जब तक कि आप पे नहीं कर देते पूरा का पूरा। द लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। सपोज 100 रुपए की वैल्यू है, मैंने 50 रुपए दिए हैं, 50 रुपए मैंने नहीं दिए हैं, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 50 रुपए की होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी, है ना। हेल्ड बाय हिम अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटीड गिवन बाय हिम। द क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी कैन प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ और मेंबर्स, है ना। तो जो जो लोग होते हैं, जो उधार में जो सामान देते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो उनको अगर केस करना होगा तो वो कंपनी के खिलाफ करेंगे, ना कि उसमें काम करने वाले लोगों के खिलाफ करेंगे। मतलब जो मेंबर्स होंगे वो उनके खिलाफ किसी भी तरह का केस या फिर उनको किसी भी मामले में घसीट नहीं सकते हैं। ये बेनिफिट जो है वहां पे मिलता है। Even in case of unlimited liability company, the company being an entity distinct from its members, the creditors are not allowed to proceed against members individually or even jointly. आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा फायदा है? मतलब अगर किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी है कंपनी की, मतलब वो हर एक लेवल पे जाकर के अपने पैसे चुकाएगा, तो उस केस में भी आप बीइंग अ पर्सन, आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप केस नहीं कर सकते इंडिविजुअली। आपको केस करने के लिए आपको जो है कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब आपको कंपनी के ऊपर ही केस करना पड़ेगा। दे कैन ओनली प्रोसीड अगेंस्ट द कंपनी, वो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट ही प्रोसीड कर सकते हैं, किसी उसके इंडिविजुअल मेंबर्स के अगेंस्ट में वो प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में ये उल्टा होता है। पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड एंड पार्टनर्स आर सीवियरली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, है ना। तो जो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटी होती है, जॉइंटली वो लायबल होते हैं उन सारे डेट्स के लिए जो कि वो लोग लेते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर द क्रेडिटर्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है ना। जो फर्म के क्रेडिटर्स होंगे वो सारे के सारे पार्टनर्स के क्रेडिटर्स होते हैं एंड कैन प्रोसीड अगेंस्ट द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। तो जो भी उनके क्रेडिटर्स है वो हो सकता है कि वो अकेले सारे लोगों के ऊपर केस कर दें या फिर साथ में मिलकर के वो सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर केस करें, ये पॉसिबल है पार्टनरशिप के क्षेत्र में, लेकिन कंपनी के क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ ट्रांसफर ऑफ शेयर डेफिनेटली शेयर पार्टनरशिप में पॉसिबल, आई मीन कंपनी में पॉसिबल है, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी उसी के नाम पे, वो शेयर कैसे ट्रांसफर करेगा? शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मैंने आपको पहले भी बताया था। अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक प्राइवेट कंपनी भी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगा सकती कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, है ना। वो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, अभी मत करो, बाद में करो, लेकिन वो मना नहीं कर सकती। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और सेल हिज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है ना। यहाँ पे अगर आपके पास एक पार्टनर का भी कंसेंट नहीं है तो पार्टनरशिप के क्षेत्र में आप अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप? पार्टनरशिप में ये एक जो है यू नो पॉइंट है। परपेचुअल सक्सेशन की बात की जा रही है तो कंपनी के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि एक कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है जब तक कि उसको बाय लॉ खत्म ना किया जाए। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में अगर एक पार्टनर की भी डेथ हो गई तो वो कंपनी जो है बंद हो जाएगी, है ना। अगर तीन पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो दो पार्टनर मिलकर के कंपनी को चला सकते हैं, बट उसके लिए उनको बहुत कुछ मेहनत करनी होगी, उनको रीशफलिंग करना होगा पूरा का पूरा बिजनेस, है ना। अ कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, the existence of company is not affected by the death, insolvency, insanity or separation of a member, है ना। तो किसी भी केस में चाहे किसी की डेथ हो जाए, चाहे कि इंसॉल्वेंसी हो जाए,
कोई पागल हो जाए या फिर किसी कोई एक मेंबर अलग हो जाए कंपनी से, इन सारे के सारे केसेस में कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन का जो राइट है वो आप उससे छीन नहीं सकते। कंपनी जो है हमेशा एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता अनलेस अदरवाइज एग्रीड डेथ इंसॉल्वेंसी ईटीसी ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म, है ना। अगर सपोज लोगों ने साथ में मिलकर के एग्रीमेंट कर लिया कि चलो हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस तरह के केसेस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कंपनी को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट है भाई मैनेजमेंट। सो द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड आर इलेक्टेड, अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, है ना। तो जो कंपनी जो होती है उसको चलाने का काम जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, समटाइम्स उनको रीअपॉइंट किया जाता है। आपने नाम सुना होगा एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, उनका उनको जो है अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। बाद में जब कंपनी खराब परफॉर्म करने लगी तो उनको वापस से बुलाया गया कंपनी में, जहां पे ये डिसीजन हुआ कि उनको जो है वापस से मेंबर बनाया जाएगा और वापस से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए थे। सो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हैव नो रोल इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता कंपनी को मैनेज करने में। कंपनी को मैनेज करने में जो रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। एवरी पार्टनर ऑन द अदर हैंड, अगर पार्टनर के केस की बात करें, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर्स के खेत में क्या क्षेत्र में क्या होता है कि आप पार्टनरशिप में शामिल हो सकते हो अगर पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कहा गया है। तो पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट होता है, उसमें अगर ये बात बोली गई है तो ही आप उस चीज में जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। राइट, नाउ एजेंसी रिलेशनशिप। अ शेयर होल्डर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी। एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता, उसके पास कोई पावर नहीं होती है कंपनी के द्वारा। इन पार्टनरशिप लेकिन एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ द अदर पार्टनर्स। हर एक पार्टनर जो है कंपनी का पार्टनर है, जो कंपनी आपने स्टार्ट की है पार्टनरशिप कंपनी उसका पार्टनर है, या जो पार्टनर्स हैं उसके पार्टनर है। कंपनी जो है वो एक तरीके से साथ में मिलकर के काम कर रही है। कंपनी प्रिंसिपल है और एजेंट जो है उसके मेंबर्स है, लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में, कंपनी के क्षेत्र में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उसके एजेंट नहीं हो सकते कभी भी। A partner is bound by all the acts of the other partners done within the scope of apparent and ostensible authority, है ना? तो partner जो होता है, वो partnership act के तहत जो भी agreement में बोला गया है, जो भी deed में बोला गया है, उसके according आपको जो है चलना पड़ेगा। वो bound होता है कि वो उस चीज को माने, ठीक है ना? लेकिन company के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, वो freely कुछ भी कर सकता है जो shareholder होता है। Now, property. In case of a company, the property of the company is in the name of the company and is owned by it. कंपनी के क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के द्वारा ही ओन की जाती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं है, राइट? तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, does not belong to the individual shareholders of the company. During the lifetime of the company, no shareholder has any legal or equitable interest in any property of the company. But in case of partnership, the partners are the joint owners of the property of the firm. तो यहाँ पे जो बात बोली गई है वो ये है कि जो partners होते हैं वो एक तरीके से different होते हैं और उनके पास right नहीं होता किसी भी property का इसके क्षेत्र में company के क्षेत्र में। लेकिन whereas अगर आप बात करें partnership के क्षेत्र में, तो partnership में जो भी property होती हैं उनका अधिकार जो है partners का उसके ऊपर होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद वेरियस स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज। एक कंपनी जो होती है वो कंप्लाई करती है हर एक तरह के स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज के जरिए, सच एज मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी बुक्स, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेयर एज अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी सच स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एक कंपनी को जो होता है हर एक लीगल नियम को मानना होता है, उनको स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, जैसे उनके पास एक स्टैट्यूटरी बुक्स होनी चाहिए, अकाउंट्स जो है उसको ऑडिट किया हुआ होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता और उनको किसी भी तरह का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को निभाना नहीं पड़ता है। पावर्स की अगर हम बात करें तो द पावर्स ऑफ अ कंपनी आर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो पावर्स ऑफ कंपनी होती है वो एक तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है वही उनकी पावर्स होती हैं। अ चेंज कैन बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग द राइट प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द एक्ट, है ना। तो चेंज अगर आप उसमें करना चाहते हो तो उसमें लाया जा सकता है, लेकिन आपको जो ड्यू प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना होगा। इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डू एनीथिंग व्हिच दे एग्रीड टू डू।
पार्टनरशिप के क्षेत्र में, लेकिन आप वो सारी चीजें कर सकते हो जहां पे आपकी एग्रीमेंट होगी। जब पार्टनर सब साथ में मिलकर के किसी एक डिसीजन को लेंगे तो आप वहां पे चेंजेस ला सकते हो, है ना। लेकिन कंपनी के क्षेत्र में ये सब पॉसिबल नहीं है। चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड कैन बी अफेक्टेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आपको पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का बदलाव चाहिए तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दो या दो से अधिक पार्टनर साथ में मिल करके, जो भी जितने भी पार्टनर है वो साथ में मिल करके म्यूचुअल कंसेंट के साथ किसी भी तरह का बदलाव अगर वो करना चाहे, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है डिसोल्यूशन। सो अ कंपनीज एग्जिस्टेंस विल कम टू एन एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय द विथड्रॉल ऑफ इवन वन पार्टनर। एक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने आपको कहा कंपनीज एक्ट के तहत। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में वो कभी भी खत्म किया जा सकता है अगर पार्टनर्स अगर साथ में मिलकर के ये डिसीजन लेते हैं कि उनको कंपनी बंद करनी है तो वो पॉसिबल है। अगर किसी का डेथ हो जाता है, अगर एक पार्टनर भी विदड्रॉ कर जाता है तो कंपनी जो है वही उसी टाइम पर डिजॉल्व हो जाएगी। कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। कंपनी को किसी भी हाल में डिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। अब गवर्निंग लेजिस्लेशन, तो एक कंपनी को गवर्न किया जाता है बाय द कंपनीज एक्ट 2013 से भी रेगुलेशंस उनको मानने होते हैं। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना, ये सारी की सारी जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो है एक कंपनी को गवर्न किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप के क्षेत्र में सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान में रखकर के ही उसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू।